चलो अब है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी वाली होती है, तो हर एक पर्सन का अपना अपना राइट होता है। नंबर वन है, ये ब्लू वाले बॉक्स में देखो, पेज नंबर 14 पर ब्लू वाले बॉक्स में देखो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है कि ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसका क्या मतलब है कि मतलब दिस मीन्स दैट ऑल द पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। मतलब समझे ना क्या हुआ? कैमरा सामने रख दो फोन। त्रिशा और बबलू प्रजावत प्लीज अपना वीडियो ऑन करो। वर्षा मैम ने मुझे कहा है कि सारे बच्चों के वीडियोस ऑन रहने चाहिए, जिस भी बच्चे का वीडियो ऑन नहीं हो उसकी फिर देखो कंप्लेन हो जाएगी आगे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अपने वीडियोस ऑन रखो, क्योंकि आपकी जो मीटिंग्स है वो रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे जाती है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों के कैमरास ऑन नहीं होते। त्रिशा, त्रिशा, फोन को कहीं पर टिका दो ना। प्रियांश ने भी टिकाया हुआ है, हर्षवर्धन ने भी टिकाया हुआ है। त्रिशा, पता नहीं सुने नहीं रही है। त्रिशा दृश्य वीडियो ऑन करो अपना। ठीक है चलो, ये क्या नाम है इसका, हर्षवर्धन, ये ब्लू वाले बॉक्स के जितने भी रूल्स हैं ना वो पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या फंडामेंटल राइट्स पढ़ो। Fundamental rights. The section of fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary, the absolute exercise. Arbitrary, 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 and absolute exercise of powers by the state. The constitution thus guarantees the rights of individuals against the state as well as individuals. इसका क्या मतलब हुआ कि जो fundamental rights होता है ना, फंडामेंटल राइट्स को देखो कॉन्स्टिट्यूशन में होना क्यों जरूरी है, ताकि हर एक इंसान के पास अपना राइट हो। अगर इंडिया इंडिपेंडेंट है तो इंडिया के सारे जो सिटीजन हैं उनके पास अपना एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, तो इस वजह से ये बनाए गए थे। आर्बिट्री का मतलब होता है जब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, इंस्टेड उसको मतलब जजमेंट और चॉइस के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसको हम रेफर कर सकते हैं जैसे रूल्स आर नॉट फिक्स, ठीक है, और डिसीजन दैट हैव नो बेसिस एक्सेट्रा। मतलब जैसे जो रूल्स फिक्स नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसे डिसीजन जिनके कोई बेसिस नहीं है, जिनके डिसीजन कोर्ट में जाकर ही हो सकते हैं, उन्हें हम आर्बिट्री कहते हैं, ठीक है।
अब कम्युनिटीज ने भी एक्सप्रेस किया अपना नीड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए टू इंक्लूड द राइट दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया कि माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी के अगेंस्ट ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस मिले. ठीक है, और एज गारंटीज द राइट्स ऑफ मेन एज डॉक्टर बी आर डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गया हाँ सेट अबाउट दीज फंडामेंटल राइट दीज ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट. सबसे पहले देखो है ना, कोई भी रूल या रेगुलेशन बनाते तो उसकी पालना करने वाले को भी ये पता होना चाहिए कि ये रूल का मतलब ये होता है. ठीक है, अब मैं 10 साल के बच्चे को बोलूंगी दैट यू हैव राइट टू इक्वालिटी तो उसको समझ में नहीं आएगा. आई बात समझ में? यही मैं 18 प्लस वाले को बताऊंगी यू हैव राइट टू इक्वालिटी इन योर फैमिली यू हैव राइट टू इक्वालिटी इन योर कंट्री बिटवीन द नेटिव सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. तो उसको ये चीज समझ आएगी क्या कि मैं मुझे इक्वल मतलब इक्वल ट्रीट होने का पूरा हक है. ठीक है, और सेकेंडली ये राइट्स जो है ना इनको कोई ना कोई अथॉरिटी के पावर में होना चाहिए. मतलब जिस अथॉरिटी ने ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है इसके ऊपर की भी डोर किसी के पास होनी चाहिए, किसी के हाथ में होनी चाहिए. दैट इज सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि अगर कोई भी इन रूल्स में इन रेगुलेशंस में अपने हिसाब से अमेंडमेंट करने की अमेंडमेंट मतलब चेंजेस करने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिनाई करता है. क्यों? क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी अलग अलग बायस बेसिस पे नहीं बनाया. बायस मतलब कि अच्छा भाई तेरे लिए ऐसा हो जाएगा, तुझे कुछ चेंजेस चाहिए तू ले ले. नहीं, ऐसा नहीं है. ये लोग क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करता है कि सबको उनके रूल्स और रेगुलेशंस बराबर मात्रा में मात्रा देखो किस रूल्स और रेगुलेशंस की मात्रा नहीं होती है, मगर अगर मैं ऐसे समझाने के तरीके से बोलना चाहूँ तो सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, किसी को भी कम ज्यादा नहीं मिलना चाहिए. जो प्रियांशी हर्षवर्धन और त्रिशा बेटा, अगर आपको कैमरा ऑन नहीं करना है तो आप क्लास से जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बार बार कैमरा ऑफ कर लेते हो यार, मुझे बोलने में शर्म आ जाती है. कितनी बार बोलूं मैं, और कोई आपका कोई आपकी शक्लों का कोई मजाक नहीं बना रहा है. इधर मैं भी पढ़ा रही हूँ, आप भी पढ़ने आए हो तो इस चीज को वैसे ही लो. ठीक है, तो इन एडिशनल फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इस सेक्शन के अंदर इस सेक्शन के अंदर मतलब इस सेक्शन को इसलिए डिजाइन किया था ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो जो सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं वो एक बड़े बेसिस पे ला पाए. ठीक है, वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर सके, इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स को सर्व कर सके, लॉज और पॉलिसीज जो रिड्यूस कर सके पॉवर्टी मतलब मासेस में पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके. पॉवर्टी मतलब गरीबी, पॉवर्टी को जो क्या कर सके रिड्यूस कर सके, इसलिए इन फंडामेंटल राइट्स को लाया गया था. सेक्युलरिज्म पढ़ो तो हर्षवर्धन. यस मैम. सेक्युलरिज्म और सेक्युलर स्टेट इज व्हेन one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in the following chapter. You know, understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. The constitution plays a crucial role in laying out of the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us, just like in the game of football. A change of constitutive rules will affect the game. Indian constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. Often a major change in the constitution means a change in
the fundamental nature of the country. We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy. The different features of the Indian constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book, as well as in your higher classes, you will read more about these different features of the Indian constitution and understand more substantively what they mean. The constitution also mentioned fundamental duties. Find out with the help of the teacher what this includes. Chalo. सेक्युलरिज्म एक सेक्युलर स्टेट उसको माना जाता है जहाँ पे मतलब ऑफिशियली किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे एक फुटबॉल का गेम होता है, ठीक है, अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल इफेक्ट द गेम। मतलब जैसे फुटबॉल के गेम में अगर चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो अगर अगर उसके रूल्स में चेंजेस आते हैं ना, तो पूरे गेम में चेंजेस आ जाएंगे। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के एक रूल में चेंज आता है ना, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सर्टेन पॉलिसीज होती है, फंडामेंटल नेचर होता है वो कंट्री का, ठीक है। और हमने ये नेपाल वाला केस भी देखा था, ठीक है, जिसमें नया कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग लेकर आए थे आफ्टर बिकमिंग अ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इसके अलग अलग फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत अलग अलग फीचर्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज होते हैं जिनको इतना इजी नहीं होता है समझना, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट इज ऑलवेज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड सोसाइटीज and giving equality to all the citizens of a particular country. आया समझ में? ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। अब मैं आपको एक छोटा सा, है ना, अब मैं आपको एक छोटा सा काम दे रही हूँ। चैप्टर को शुरुआत से लेके एंड तक एक बार नजर मारो, और ये जो ब्लू बॉक्स में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आप पढ़ो एक एक करके। मुझे आप लोग, मैं किसी से भी कोई भी राइट पूछ सकती हूँ, ठीक है। टोटल है 6 राइट, यहाँ पे हमारे पास 6 बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास को बीच में छोड़ेगा कोई भी नहीं। अगर आपने छोड़ दी तो मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगी, और फिर आपको मैं SSC की क्लास में कभी नहीं आने दूंगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, फटाफट से ये राइट्स पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, अगर चैप्टर में कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो, और ये राइट्स आप मेरे को एक एक करके एक्सप्लेन करोगे। फटाफट शुरू हो जाओ, मैं कोई भी राइट किसी से भी पूछ सकती हूँ। पेज नंबर 14 पर ब्लू कलर के बॉक्स में फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, वो पढ़ने हैं आपको। फटाफट पढ़ो।
अनविलेटेड को क्या बोलते हैं? किसको? वोइलेटेड। वोइलेटेड मतलब रूल्स को तोड़ना। अनटचेबिलिटी को क्या बोलते हैं? अनटचेबिलिटी हाँ, उसको छुआ छुआ छूत बोलते हैं हिंदी में, उसको छुआ छूत बोलते हैं। अनटचेबिलिटी मतलब जब आप दूसरी मतलब जो नीची जाति को कंसिडर करके और फिर आप बोलते हो कि दे कांट टच अस, ऐसा उसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं। दलित्स के साथ ऐसा बिहेव होता है। हाँ चलो सबसे पहले प्रियांशी से स्टार्ट करते हैं। प्रियांशी प्रियांशी बेटा राइट टू एजुकेशन एक्सप्लेन करो। जल्दी करो, पहले वो राइट्स पढ़ लो। यस
अब तो पढ़ लिया होगा बेटा। क्या हुआ, अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है क्या? किसी ने रीड नहीं किया अभी तक। अरे फंडामेंटल राइट्स तो रीड किए होंगे। बोलो संजना क्या हुआ, बोलो बोलो क्या हुआ। मैंने फंडामेंटल राइट्स रीड कर लिए। चलो गुड। हर्षवर्धन बोलो क्या हुआ। मैम मैंने भी रीड कर लिए। चलो ओके ठीक है, फिर आप लोगों ने रीड कर लिए हैं। ये वाले जो राइट्स वाला जो टेस्ट है वो मैं आपका कल ले लूंगी। अभी हम लोग मिलते हैं फिर इंग्लिश की क्लास में, ठीक है? जाओ अपनी आंखों को रेस्ट दे दो थोड़ी देर और पानी वगैरह पी के आ जाओ। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू।